दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज को T20 सीरीज में भी कुचलने के लिए खुद थाला महेंद्र सिंह धोनी कैरेबियाई धरती पर कदम रख चुके हैं, जहां उनके साथ साथ जसप्रीत बुमराह और एक ऐसा खूंखार बल्लेबाज पहुंचा है जिनके नाम मात्र से ही वेस्टइंडीज के पसीने छूटना तय है। तो आखिर कैसे रातों रात हुआ यह संभव? कौन है वह दो खिलाड़ी जिन्हें साथ लेकर धोनी वेस्टइंडीज का किला फतह करने का मन बना चुके हैं? क्या उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, रोहित और विराट में कौन सबसे महान भारतीय बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवाओं को वेस्टइंडीज में अकेला छोड़ने का फैसला BCCI पर बहुत भारी पड़ रहा है। जहां कैरेबियाई टीम ने पहले ही T20 में न केवल भारत को आईना दिखाया बल्कि बड़ी बेरहमी से भारतीय टीम की पिटाई करके यह साबित कर दिया कि उन्हें कम आंकना कितनी बड़ी भूल थी। ऐसे ही में जैसे ही BCCI को एहसास हुआ, उन्होंने भी अपनी गलती सुधारने का मन बना लिया। हालांकि उन्होंने रोहित कोहली, जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को अभी भी वेस्टइंडीज नहीं भेजा, बल्कि अब उनकी जगह पर दो ऐसे सितारे चोट से वापसी के लिए तैयार हैं जिनके नाम सुनकर ही पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठेगा। वहीं उनके साथ साथ भारत के सबसे महान कप्तान भी अब एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन कुल माही है। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी के रूप में भारतीय टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली। लंबे समय से धोनी को टीम इंडिया का कोच बनाए जाने की मांग जोरों शोरों से उठ रही थी और अब फैंस के इस डिमांड को BCCI का साथ भी मिल चुका है। BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बाकी बचे 4 T20 मैचेस के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया है और यह खबर मिलते ही धोनी ने टीम इंडिया को ज्वाइन भी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 6 अगस्त को दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है जिसमें जीत के अलावा भारत के सामने कोई विकल्प नहीं है। हमारा आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में धोनी रातों रात वेस्टइंडीज के लिए रवाना हो चुके हैं और अब ऐसी भी खबरें कि वह वेस्टइंडीज पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ इस सफर में उनके साथी बने हैं जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन। जी हाँ दोस्तों, पहले तो कोई भी अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने बुमराह के साथ साथ शिखर धवन को भी टीम इंडिया में वापसी कराई है, जहां वह अब हमें भारतीय टीम की जर्सी में तबाही मचाते हुए दिख सकते हैं, इसकी पूरी संभावना मानी जा रही है। दोस्तों, इस खबर ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है, तो वहीं वेस्टइंडीज के पसीने छूटने लगे हैं। क्यों, इतना ही नहीं, पूरी दुनिया दंग है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को बतौर कोच दोबारा टीम इंडिया में वापसी हो चुकी है। वहीं भारतीय टीम का सबसे घातक गेंदबाज दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसके अलावा आखिरकार एक बार फिर से धोनी शिखर धवन के मसीहा बने और उनके डूबते करियर को धोनी ने सहारा दिया। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि जसप्रीत बुमराह कितने फिट हैं, उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं। वहीं शिखर धवन को पारी की शुरुआत करने का मौका मिलने वाला है और यदि वह दमदार प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें विश्व कप की टीम में भी चुना जा सकता है। यानी कि भारतीय फैंस के लिए चप्पर फाड़ कर खुशखबरियां निकल कर आई हैं और अब भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया वेस्टइंडीज को 4-1 से हराकर अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में